नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं एक सीरीज है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस रिलेटेड हाउ टू प्रिपेयर एसएससी सीजीएल। मैं समझता हूं कि यह बहुत जानना जरूरी है गाइडेंस रिलेटेड कि एक इंसान को, एक एप्लीकेंट को तैयारी कैसे करनी चाहिए। और ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो मिसगाइड होते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, खुद जिम्मेदार हो सकता है, कोचिंग सेंटर जिम्मेदार हो सकते हैं, आप उसका फ्रेंड सर्कल जिम्मेदार हो सकता है। हम इसमें डिटेल से, साइंटिफिक वे में, प्रोफेशनल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है उसके बाद हर एप्लीकेंट, हर कैंडिडेट है अपनी प्लानिंग खुद बना सकता है। यह सीरीज होगी, सीरीज ऑफ लेक्चर्स होगा। इसके ऊपर पहला जो लेक्चर है वो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो कंटेंट होगा वो है टाइप ऑफ स्टूडेंट। ये जानना जरूरी है टाइप ऑफ स्टूडेंट से रिलेटेड। क्यों जानना जरूरी है टाइप ऑफ स्टूडेंट से रिलेटेड? क्या एक स्टूडेंट है ऑलरेडी वो 400 स्कोर कर रहा है और दूसरा जो स्टूडेंट है अभी स्टार्ट किया उसने एसएससी प्रिपरेशन करना, दोनों की स्ट्रेटजी सेम हो सकती है क्या? क्या एक स्टूडेंट 2 साल से तैयारी कर रहा है उसके 100 मार्क्स नहीं आ रहे टायर वन में, और एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने अभी स्टार्ट किया है और वो 100 स्कोर कर रहा है, क्या दोनों की स्ट्रेटजी सेम होगी? ऑब्वियसली नहीं हो सकती। हर एक बंदा डिफरेंट होता है। इसका मतलब उसकी स्ट्रेटजी में पैनापन लाने के लिए उसकी अप्रोच है वो साइंटिफिक होना जरूरी है। उसके मानसिक और साइकोलॉजिकली उस बंदे को एक उस सिचुएशन में पहुंचाए जैसे कि जॉब मिले। वरना आमतौर पे एक दिमाग में मिक्सर चलता है, खिचड़ी चलती है और एक अंदाजा लगाना मुश्किल होता है मुझे करना क्या है। और इसका फायदा फिर बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं जिसमें कि कोचिंग सेंटर भी सबसे ऊपर होते हैं। तो उसके आधार पे मैंने कि टाइप ऑफ स्टूडेंट, 5 टाइप के स्टूडेंट बनाने की कोशिश की। और हर स्टूडेंट की अलग प्लानिंग है, अलग साइकोलॉजिकल प्लानिंग क्या हो सकती है, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उसकी, और उससे रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटी करे वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो एक बड़ा सेक्शन होगा डिस्कशन का वो होगा सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि हर एग्जाम एक अपनी प्रिपरेशन होती है। जैसे कि हर स्टूडेंट, ऊपर बताया जा रहा है हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, तो ऐसे ही हर एग्जाम डिफरेंट होता है और हर सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैथ पढ़ रहे हैं फिर बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, हर तरह के मैथ को आप इसमें शामिल कर लें। हर स्ट्रेटजी, हर एक्टिविटी और हर सब्जेक्ट, हर एक्शन है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इस प्रेजेंटेशन की जो सीरीज है गाइडेंस पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी जो आपने कभी उस दिशा में शायद सोची भी नहीं होगी। अब देखते हैं टाइप ऑफ स्टूडेंट। और आप अपने आप को इस पेज से ये समझने की कोशिश की आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो मुझे लगता है वो इस कैटेगरी में होते हैं, जीरो टाइप कैटेगरी लिखा हुआ है मैंने। लगभग 60-70 परसेंट स्टूडेंट इस कैटेगरी में होते हैं। और सबसे कम जो कैटेगरी में होते हैं वो ये वाले होते हैं, 0.2% इस कैटेगरी में होगी, बाकी इन सब के बीच में होते हैं। और हम जब ये इस पर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन से कैटेगरी में कौन से टाइप के लोग रहते हैं। तो एक बार पहले इस पर नजर दौड़ा लेते हैं बेसिक रूप से। टाइप जीरो, अगर 5 टाइप की कैटेगरी है तो कोई ना कोई स्टूडेंट 5 में से किसी एक में जरूर आ रहा होगा। यह हर बंदे के लिए, अगर 50 लाख लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं तो 5 टाइप की कैटेगरी बनाई है मैंने और हर कैंडिडेट किसी न किसी कैटेगरी को छू रहा होगा। तो टाइप जीरो देखिए क्या है। इसमें वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा मिसगाइडेड होते हैं और दूसरों को भी करते रहते हैं। यह इन लोगों की खास बात है कि दूसरों को मिसगाइड करेंगे, नॉट वांट टू चेंज। ये वो लोग होते हैं इनको कुछ भी बोलो जल्दी से चेंज नहीं होते, या तो उनके ऊपर बहुत ही फोर्सफुली एक्शन हो तब चेंज हो सकते हैं, या उनको बहुत ही ज्यादा कोई मोटिवेट करने वाला हो तो चेंज हो सकते हैं। ऐसी संभावना आमतौर पर कम होती है, तो इसलिए इन लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। ये लोग फोकस नहीं होते। हर तरह के एग्जाम, अगर एक महीने में, एक साल में अगर 20 टाइप के एग्जाम निकलते हैं तो सारे लोग ये एग्जाम देते हैं। इनकी खास बात सबसे यही होती है, ये दे आर मोर बिजी इन गिविंग एग्जाम। इनका ज्यादातर टाइम एग्जाम देने में, गपशप में जाता है, गॉसिप में जाता है, फेसबुक में जाता है और कोचिंग सेंटर्स में कभी ट्रायल ले लिया, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, उसमें जाएगा। आप
अप्लाई फॉर एवरी एग्जाम. फ्री ट्रायल क्लासेस के शौकीन बहुत होते हैं ये लोग, और फ्री लंच मींस यूट्यूब पे फ्री वीडियो. और आपको पता है कि आजकल जो थोड़े से बेरोजगार हो गए हैं, बीटेक करने बेरोजगार हो गया, तो वो यूट्यूब पे वीडियो बनाने स्टार्ट कर देता है और वो बच्चों को गाइडेंस देता है, और वो खुद इस 60-70% में. और मैंने ये देखा भी है कि वो एसएससी गाइडेंस देते हैं और मुझे लगता है उनको एसएससी की स्पेलिंग नहीं आ रही. यह हालात है, और स्टूडेंट भी कम नहीं है वो, क्योंकि लाइक माइंडेड है. इसमें लिखा हुआ मैंने कहीं कि लाइक माइंडेड लोग लाइक माइंडेड को ही ज्यादा नजदीक होते हैं, तो वो चीजें सूट करती है उनको, क्योंकि वो उसी तरह की चीजें एक सर्कल सा घूम जाता है. तो ये वो लोग होते हैं जो, ये भी होता है कि क्योंकि वो उनको बहुत सारी अप्लाई करना होता है, बहुत सारी चीजें फ्री चाहिए, तो ये फ्री वाले लोग ज्यादा घूमते हैं इस कैटेगरी में. सिंसियर कैटेगरी नहीं है ये. फ्री सोशल मीडिया, जैसे मैंने फेसबुक का वो यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया, सेम स्टोरी. ये लोग फेसबुक पे बड़े एक्टिव होते हैं, और आमतौर पर ये लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं ज्यादातर, जो होता है एसएससी या फिर बैंकिंग, इस तरह से ग्रुप बनते रहते हैं. और ये क्या होगा, उस खिचड़ी का हिस्सा बन जाएंगे, आम पब्लिक का हिस्सा हो जाएंगे. बहुत आसान है इनको गुमराह करना भी आमतौर पर, लेकिन इसको ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल काम होगा. ऑलवेज लुकिंग फॉर लाइक माइंडेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया. और उसके बाद होता है, अच्छा इसमें कौन पढ़ रहा है ये आप अंदाजा लगाइए. आपके आसपास जरूर होंगे, अगर आप नहीं हैं आसपास जरूर नजर आएंगे. ये टाइप वन देखिए, ये लोग क्या है, मैंने इस कैटेगरी में उनको रखा है, ये फ्रेशर है, या बीटेक की है, बीएससी की है, बीबीए की है, इस तरह की कोई इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन की है. ये लोग वो भी हो सकते हैं जो बहुत ब्रिलियंट है, और ये वो भी हो सकते हैं जो बहुत कमजोर है. वो किसी भी रूप में ये हो सकते हैं, लेकिन उनको अभी एग्जाम का आइडिया नहीं है. ये लोग थोड़े खिलाड़ी हैं, शौकीन लोग हैं ये, लेकिन ये अभी किसी चीज के खिलाड़ी हुए नहीं है. लेकिन ये जैसा उसको ढालोगे, ढलने की संभावना इसमें काफी ज्यादा होती है. और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग वो भी है जो फर्स्ट टाइम में, और एक महीने या दो महीने के अंदर वो एग्जाम कर लिया करने की एबिलिटी भी रखते हैं. वांट टू टेक चांस इन 2000, कुछ लोग इसमें से ऐसे होंगे जो कि चांस के रूप में 2016 में अप्लाई किया होगा उन्होंने, और 2017 की तैयारी कर रहे होंगे. लेकिन अगर उन लोगों को थोड़ा एक रास्ता दिखाया जाए, इन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बहुत सख्त एक्शन की जरूरत होगी, लेकिन इनको अगर थोड़ा सा रास्ता दिखाया जाए, रो है ये लोग, और बहुत फास्ट चेंज हो सकते हैं, और जिंदगी में बहुत बदलाव कर सकते हैं. बदलाव ये भी कर सकते हैं, लेकिन हंटर चाहिए. सिलेबस नॉट कंप्लीटेड, इन लोगों ने कोई सिलेबस नहीं किया. आमतौर पर इन्होंने खिचड़ी बनाई होती है, सिलेबस तो शायद इनका कंप्लीट भी नहीं होगा, लेकिन यह जरूरत इनको लगता है सिलेबस कंप्लीट है इनका, ठीक है. और उनको वो लगता है कि यह बड़ी ट्रिक सुंदर है. नीड गाइडेंस, अगर इनको गाइडेंस दी जाए तो मुझे लगता है ये बहुत वंडर कर सकते हैं. ऐसे लोगों की संख्या लगभग 10-20% होती है इस पूरी पॉपुलेशन में. उसमें से 1-2% ऐसे जरूर होंगे जिनको कि बहुत ज्यादा अगर गाइडेंस है, वो बहुत ज्यादा रोल अदा कर सकती है इनमें. टू द पॉइंट कंटेंट हो, अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, और डे वाइज शेड्यूल हो, तो मुझे लगता है ये वंडर ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं. तीसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी नंबर इस पे चलते हैं, टाइप टू. प्रिपरेशन फॉर क्वाइट सम टाइम, ये वो लोग हैं जो कि काफी समय से तैयारी कर रहे हैं. कोई 2 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई 8 महीने से कर रहा है, और उन्होंने सिलेबस भी आमतौर पर कंप्लीट कर लिया है. लेकिन होता क्या है, अब कॉम्पिटिशन का लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है, और बहुत ज्यादा हाई है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. लेकिन अब वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं जिससे कि जो मिल सकती है या कॉम्पिटिशन लड़ सके. हाँ, उसके लिए वो एक किस्म से स्टेप ले चुके हैं. इन लोगों ने अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, या इनको अभी ज्ञान नहीं था कि मैं प्रैक्टिस करूं, या इनको कोई करवाने वाला नहीं था. कई बार क्या होता है, 2 टाइप के इंसान हो सकते हैं, एक सेल्फ मोटिवेटेड होता है, और दूसरा क्या है कि उसको उस सांसे में ढालना पड़ता है. तो ये लोग वो हैं कहीं कहीं इसमें, और ये आमतौर पर 60-70-80 के आसपास स्कोर कर रहे हैं. जिसकी तैयारी भी होगी वो 30-40 करता है स्कोर, तो ये 60-70 तक पहुंच गए, 80 तक भी पहुंच गए होंगे, लेकिन वो उस स्टेज पर नहीं है अभी तक भी कि टायर वन भी क्लियर हो जाए. और शायद ये उनको पता है कि अभी मंजिल दूर भी है. उसमें से कुछ लोग ब्रिलियंट भी हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो यहीं पे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे,
उनका आखिरी आ चुका है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हर चीज के, हर टाइप के लिए अलग स्ट्रेटजी होगी। टाइप जीरो वाले भी टॉप कर सकते हैं ऑल इंडिया, अगर उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और टाइप टू वाले भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, लेकिन हर के लिए स्ट्रेटजी अलग होगी, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट अलग हो चुका है, उसकी माइंडसेट अलग हो चुका है, उसकी साइकोलॉजी है वो अलग हो चुकी है सबकी। तो इसलिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है या एक अप्रोच है वो होना बहुत ही आवश्यक होगा, और ये हमें उसके अनुसार एक्शन लेना होगा। और मैं जानता हूं कि जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो आप अपने आप को ये फिट करने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे मैं किसमें आ रहा हूं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आप इसमें भी आ रहे हैं, आप चैलेंज लीजिए इसको और इससे बाहर निकलकर इसमें भी आने की कोशिश कीजिए, आप आ सकते हैं, और तभी माना जाएगा कि आपने वास्तव में कुछ किया है। अगर आपके इसमें है, इसमें शायद इतना अचीवमेंट बड़ा ना हो, लेकिन इसमें बड़ा होगा। अपने आप को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो ये एक इस कैटेगरी में भी आप कर सकते हैं, इसमें भी। अब देखते हैं थर्ड कैटेगरी से रिलेटेड टाइप थ्री के लोग कैसे होते हैं। प्रिपेयरिंग द सिंस लॉन्ग टाइम कंप्लीटेड, ये काफी लंबे से कोर्स कर तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसा बहुत आपने देखा होगा, कोई एक साल से तैयारी कर रहा है, कोई दो साल से तैयारी कर रहा है, कोई तीन साल से तैयारी कर रहा है, कभी टायर वन क्लियर नहीं होता, कभी टायर वन क्लियर हो जाता है, कभी ये नजदीक है आमतौर पर, स्ट्रगल सा कर रहे हैं, सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा कि अब हम आगे क्या करें, क्योंकि वो जो एनालिसिस का लेवल करते एनालिसिस करते हैं वो इतने हाई क्वालिटी का एनालिसिस नहीं होता अपने बारे में उनको। जैसे कि हम लोग इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एनालिसिस बताएंगे, तो शायद उन्होंने उस लेवल का कभी सोचा भी नहीं होगा और कभी किया भी नहीं होगा। तो वो देखिए जरूर कि ये लोग मेहनत भी कर रहे होंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, स्ट्रगलिंग टू इंप्रूव, पता नहीं चला कि अब मैं क्या करूं, सारी किताबें पढ़ दी मार्केट में अवेलेबल, लेकिन आगे बात बन नहीं रही, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई खामी होगी, या एक सिचुएशन ये भी हो सकता है एबिलिटी इश्यू का, वो इतना काबिल नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सबके साथ हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें कि उनमें उनकी प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में, साइकोलॉजी में, मोटिवेशन में और उनका जो एनालिसिस है उन सब में कहीं कहीं खामी होगी। वो खामी कैसे दूर कर सकता है, उसको कैसे पता चले खामी, वो चीजें हम जानेंगे। अब टाइप फोर वाली कैटेगरी भी देख लेते हैं। ये वो कैटेगरी है जो आमतौर पर या तो पिनेकल को ज्वाइन करती है या पिनेकल की फॉलोवर ज्यादा है, क्योंकि हम जिस ढंग से फोकस अप्रोच रखते हैं कि एसएससी सीजीएल का मतलब आपका एग्जाम तभी क्लियर होगा जब आप पूरी स्ट्रेटजी पर फोकस रखेंगे और वही पढ़ेंगे जो वास्तव में आता है और उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, ये वाली वो कैटेगरी है। तो देखिए ऑलरेडी सिलेक्ट या तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है जो आमतौर पर सिलेक्ट भी हो चुके हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। और अगर आप मेरा 2015 का वीडियो वो रिजल्ट एनालिसिस देखेंगे तो उसमें आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उसका एनालिसिस आप जरूर देखिए, वीडियो 2015 का जो रिजल्ट आया है उसमें कैसे कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है। ये लोग आमतौर पे टायर वन में अगर बात करें 120 130 के आसपास स्कोर, टायर टू में 300 के आसपास स्कोर, वो आमतौर पर वो या तो सिलेक्ट हो जाते हैं या नजदीक पहुंच जाते हैं, या अपना जैसे सिलेक्ट हो गया, अभी आज भी मेरे पास एक स्टूडेंट आया हमारा, अभी जो 2015 हुआ है उसी का रिजल्ट में पास आउट है हमारा स्टूडेंट था, वो उसका एक्साइज में सिलेक्शन हुआ और उसका ये बोल रहा है कि मैं इस जॉब को नहीं करना चाह रहा, मैं आगे की तैयारी कर रहा हूं। अब देखो इतने साल इतनी मेहनत की क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं, उसको इसलिए दिक्कत है और 2016 में वो जोर लगाएगा क्योंकि उसका एक्साइज में हुआ और गुजरात हुआ है, और वो कहां पे आना चाहता है, वो चाहता है या तो दिल्ली हो या हरियाणा हो या चंडीगढ़ हो। अब सोचिए कि पहले जो जोर लगा रहा था एक्साइज के लिए, आज के टाइम में वो ये सोच रहा है कि मैं इसमें ज्वाइन करूंगा लेकिन मैं तैयारी जरूर करूंगा, मतलब कि वो मन मारकर ज्वाइन करेगा लेकिन तैयारी 2016 में करे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, और जो स्पेशली जो टीए इनका सिलेक्शन होता है, टैक्स असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, वो काफी ज्यादा लोग इस कैटेगरी में होते हैं, वो आमतौर पर या तो लोकेशन भी है या फिर
वो इंटरव्यू पोस्ट के लिए ट्राई करते हैं। लोकेशन वाले काफी भी है, लोग होते हैं, लेकिन इंटरव्यू पोस्ट वाले भी काफी होते हैं कि मैं इंटरव्यू पोस्ट में जाना चाहता हूँ, या फिर बैंक पीओ लगे हुए हैं वो चाहते हैं कि मैं एसएससी सीजीएल में जाऊं। तो ये सारी कैटेगरी के अंतर्गत पड़ रही है, ये भी अपने आप में काफी बड़ी कैटेगरी है। तो ये लोग हैं, इनके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते? ऑब्वियसली आप इस बात को जरूर मानेंगे, सबका एक जैसा लेवल नहीं है इस पांच कैटेगरी में, सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं है, सबकी सोच एक जैसी नहीं है, सबका तैयारी करने का तरीका अलग था और ये अलग अलग ग्रुप में अब बंट गए। अगर हर ग्रुप के लिए अलग स्ट्रेटजी हो और उनको यह बताओ कि मुझे ये करेंगे तो ही मैं निकल सकता हूं आगे, तो मुझे लगता है उसका काफी हद तक काम हो जाएगा। उसके बाद जब उसका माइंड सेट हो, साइकोलॉजिकल फिट हो, हेल्दी हो और सारी चीजें तैयार है, इसका मतलब आर्मी तैयार है, अब उसको अस्त्र शस्त्र देने हैं, अब उसको हथियार देने हैं। इसका मतलब आमतौर पर लोग क्या करते, पहले हथियार लेते बिना तैयारी की। आर्मी को बिना तैयारी के हथियार देने का मतलब कि आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, आपकी मेंटली आपकी तैयारी नहीं है। तो क्या होगा इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, फिर आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। क्या उल्टा हो सकता है, इस कैटेगरी वाला इसमें आ सकता है? यस, इसकी संभावना हो सकती है। ऐसी संभावनाओं के लिए उसका फ्रेंड सर्कल, कोचिंग सेंटर्स, फेस ग्रुप, फेसबुक और जो साइट्स होती है गपशप वाली, गोसिप साइट्स, क्योंकि आमतौर पर वो बस उनको एक चीज लिखनी है कि 2016 एग्जाम पोस्टपोन। अब ये लोग हैं वो उसके पीछे पड़ जाएंगे और इनको देखकर ये भी आ जाएंगे। उनको ये पता नहीं है कि इनको अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, ये उनकी एड है, आपको इनसे दूर रहना होगा। आमतौर पर ऐसा ये नहीं सोचते। हेलो, इसके बाद तो आपको डरना नहीं चाहिए क्वालिटी कोचिंग से या क्वालिटी कंटेंट से। उसका लेवल हाई है, समझ में नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, जोर लगाइए, वरना जो दूसरी चीज समझने की कोशिश करें उसका उससे आपका वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। कहने का मतलब कि इंप्रूवमेंट के लिए हर स्टेप पे गुंजाइश है, वो इंप्रूवमेंट कीजिए। आपका ग्राफ ऐसे जाना चाहिए क्योंकि आपका ग्राफ अभी ऐसे चल रहा है, इस ग्राफ को आगे ले जाने में जोर लगाइए। मेक 10 आवर्स डेली प्लान। ये लोग आमतौर पर 2-3 घंटे पढ़ते हैं और उनको लगता है कि कोचिंग से ही, कोचिंग वाले ही सिलेक्शन करवाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता नहीं कि कोई भी कोचिंग सेंटर आपका सिलेक्शन करवा सकता है, ये आप खुद होंगे जो उस कोचिंग सेंटर से मदद ले सकते हैं, वो आपको गाइडेंस देगा, आपके ऊपर काम करेगा। लेकिन जब तक ये आप काम नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सेल्फ स्टडी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 घंटे आपको तैयारी करनी होगी, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। आपको अगर आप वर्किंग है तो इसमें 5-6 घंटे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग सेंटर के भरोसे बैठे। आपको समझाएगा, आप घर पर आगे कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, 100% श्योर है कि जॉब नहीं लगेगी। टाइम मोशन स्टडी वो क्या होती है? ये आपकी आंखें खोलने के लिए। आंखें खोलने का मतलब जब आप ये 2-3 घंटा बोल रहा हूं मैं, कुछ लोग इसमें हंस भी रहे होंगे, दिमाग में उनके कुछ चल रहा होगा, लेकिन जब अगली स्लाइड देखें टाइम मोशन स्टडी की तो शायद वो चुप होंगे। फिर मेक एक्टिविटी चार्ट एंड स्टिक टू इट। अपना कि डे टू हर दिन का में करना क्या है उसका एक्टिविटी चार्ट बनाइए और स्टिक रहिए। ये एक्टिविटी चार्ट क्या है ये हम आगे देखेंगे जब ये आगे स्लाइड आएगी। आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज लाइक फेसबुक, चैटिंग, डेटिंग, ऑल साइट्स। बहुत सारा दिन में हम ऐसा काम करते हैं जिनकी जरूरत नहीं है हमारे सिलेक्शन में। मतलब कि अगर आप सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो एक जैसे होता है ना, मोटापा कम करना है तो आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाने होंगे। तो ये मोटापा कम करने के बराबर ही है, रूल बनाना मोटापा कम करने के बराबर है। आपको दिन में वो काम करने हैं जो कि वो काम कम करने हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप सारे दिन फेसबुक पे लाइक, अब भाई ऐसी लाइक क्या हुई? करियर में कुछ लाइक कीजिए। तो एक तो इस लाइक वाले सिस्टम को, फेसबुक को रोक दीजिए। अगर आप कोशिश करें तो इसको बंद कर दीजिए फेसबुक अकाउंट को, क्योंकि आपको कोई मदद नहीं कर रहा।
आप फेसबुक की पढ़ाई से जिंदगी में तैया पार नहीं लगेगी आपकी, गारंटी है। दूसरा चैटिंग, चैटिंग बहुत सारी साइट ऐसी होती है जो चैटिंग करती रहती है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, कोई पॉलिटिकल, कोई फिल्म सेलेक्ट, कोई खेल सेलेक्ट, और कोई गपशप गोशिप साइट एसएससी के ऊपर, उसमें भी ये उसने आरटीआई लगा दी, तो आरटीआई में क्या हुआ, ये लोग बड़े बिजी होते हैं, इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट होता है इनका कि कितनी सीटें हैं इस बार, वैकेंसी कितनी है, चाहे इनके आसपास भी ना, लेकिन ये लोग इसमें बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उनमें बंद कीजिए। डेटिंग साइट मैसेज कुछ और भी है मेरा यहाँ पे, यानी इस मैसेज को समझिए कि नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी जिनका कि एग्जाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको पहचानिए, उसको बंद कीजिए। टीवी देखना बंद, आप बोले क्या अखबार बंद करें, शायद ये जब आप में एक उस स्लाइड पे उस पोर्शन पर जाएंगे तो उसके ऊपर देखेंगे क्या बंद करना चाहिए, तो उसमें ज्यादा उसको मदद मिलेगी। लेकिन यहां पर मैसेज जरूर है कि आप ऐसी चीज को पहचानिए जहां पे टाइम वेस्टेज हो रहा है या एवरेज चीज है वो, रिड्यूस स्टोर नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज, जैसे मैंने ऊपर बताया। सिस्टमेटिक सिलेबस कवरेज कीजिए, 80-20 अगर इस कैटेगरी के लोग हैं तो इसका उन ढंग से सिलेबस नहीं हुआ, 80% सिलेबस पे फोकस कीजिए, टेक्स्ट पढ़िए और क्वेश्चंस देखिए और टेस्ट कीजिए और सिलेबस देखिए पूरा डिटेल में। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि वो वीडियो के बड़े शौकीन, वीडियो देखते रहते हैं सारा दिन यूट्यूब पे, और ज्यादातर वीडियो जैसे मैंने बताया वो किन लोगों के होते हैं, वो लोग होते हैं आजकल बेरोजगार है और यूट्यूब पे भाषण देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोचिंग सेंटर में जाना थोड़ा टाइम लगता है, वरना कोचिंग सेंटर में भी आमतौर पर यही पब्लिक होती है जो कि गपशप मारने के लिए दोस्त ढूंढते हैं, वहां पर पढ़ना नहीं दोस्त के लिए जाना। तो इस तरह की चीज में करने के बजाय सिलेबस पे ध्यान देना होगा, टेक्स्ट पढ़ने को, मेरा कहने का मतलब है कि वीडियो की एक लिमिट हो सकती है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे और आप एनालिसिस नहीं करेंगे और टेस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि मान लो मैथ किया, प्रॉफिट एंड लॉस का आपने कर दिया, वीडियो तो चलो 10-15 मिनट 25 मिनट 25 का हुआ, लेकिन अगर आप 10 साइड पर भी देखें उसके भी कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय आपको 200 क्वेश्चन करें प्रॉफिट एंड लॉस के खुद, तो ज्यादा फायदा होगा। तो इसका मतलब खुद वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पे लिखा होगा था कहीं 10 घंटे वाला, वो 10 घंटे वो इस प्रूफ में लगाए, न कि वो ये सोशल साइट पे लगा दे, तो आपकी जो फायदे की चीज कोई हो सकती थी वो आप नुकसान में कन्वर्ट न करें। ये एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, ट्रेंड का हिस्सा मतलब, तो ये एवरेज लोगों को कोई जॉब नहीं मिलती, आपको स्पेशल होना पड़ेगा अगर जॉब चाहिए तो। देयर इज नो फ्यूचर ऑफ एवरेज, अगर आप एवरेज है तो इस पर घमंड मत कीजिए, आपकी जॉब नहीं लगेगी, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए, उसमें आपकी संभावनाएं बढ़ेंगी और हो सकता है 100% जॉब भी लगे। टाइम मोशन स्टडी जो जिक्र आया था कि जीरो टाइप लोगों को टाइम मोशन स्टडी की सख्त जरूरत है, यह टैबलेट है, इंजेक्शन है। जैसे होता है ना कि अगर किसी का हार्ट अटैक हो रहा और 2-3 हजार का इंजेक्शन लगता है छाती में, और उसका होता है या तो वो जिंदा हो जाएगा या मर जाएगा, मतलब वो काम करेगा इंजेक्शन, अगर इसने काम नहीं किया तो कोई समाधान नहीं है। तो इसका मतलब टाइम मोशन स्टडी वैसा इंजेक्शन है, अगर इससे भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं इंप्रूव हो रही है तो आपके आप हो ही नहीं सकती कोई चीज। फिर टाइम मोशन स्टडी क्या बोलती है, वेरी साइंटिफिक टूल, सारी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती है। अगर आप सुबह 4 बजे से देखें, और ये जीरो टाइप के लोग कृपया ध्यान दें, और जीरो टाइप के नहीं है वो भी ध्यान दें इस पे, अगर आप अपने आप को 2 नंबर में पा रहे हैं टाइप 2 में, टाइप 3 में, किसी भी टाइप में पा रहे हैं, तो ये देखिए आप यहां पे क्या कर रहे हैं। सुबह बहुत सारे लोग बोलेंगे सो रहा था, यहां पे स्लीपिंग, 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 यहां पे फेसबुक, यहां पे ब्रेकफास्ट, यहां पे ब्रेकफास्ट, यहां पे तैयार हो रहा था, तो एक्चुअल में और यहां पे रेस्ट कर रहा है वो, क्योंकि वो तैयार हुआ तो रेस्ट सही है उसको, अब एक्चुअल में उसका परमानेंट रेस्ट हो गया क्योंकि वो डन हो चुका उसका, कि एक्चुअल में जो डे टू लाइफ का उसका बिहेवियर है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो अग्रेसिव नहीं है,
वो नॉन परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग एक्टिविटीज को पहचान नहीं पा रही है। जो स्लीपी है ये भी नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी है, और ये जो एक घंटे तक लंच किया था ये ब्रेकफास्ट किया था उसने, इसमें से 10-15 मिनट तो हो सकता है ब्रेकफास्ट, लेकिन वो 40-30 मिनट टीवी के आगे बैठकर जो लंच कर रहा था वो नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी थी। जो ब्रेकफास्ट कर रहा था वो नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी थी। फिर वो अखबार पढ़ रहे हैं और रंगीन कलर फोटो देख रहे हैं, पंजाब केसरी या जो भी हिंदी का अखबार या दूसरा भी उठाया तो उसकी फोटो देख रहे हैं, क्रिकेटर की फोटो, हीरोइंस की फोटो, हीरो की फोटो। तो आप सोच सकते हैं उनका कोई रोल नहीं है जब तक कि आपको जॉब न मिल जाए। जॉब मिलने के बाद एक हफ्ते तक वो कलर फोटो देखना, लेकिन उससे पहले आपको शोभा नहीं देगा क्योंकि जॉब नहीं मिलेगी। जॉब लगने के बाद आप 60 साल, अगर ये अभी 60 दिन एग्जाम में बचा हुआ है, और मैं ये बोलता हूं कि अगर 60 ये दिन है आपके आगे के 60 साल का भविष्य तय करेंगे, तो इस टाइम होरिजन स्टडी में आप अपना फिक्स कीजिए कि मैं 10 घंटे को कौन सी जगह ढूंढूं जहां पे मेरे लगे, और मैं उसमें फिक्स कर दीजिए कि इस 4 से 6 महीने में या जहां पे ज्यादा नींद आने की संभावना है वहां उस टाइम को ढूंढो कि मैं ये टेस्ट दूंगा। किस चीज का टेस्ट? मान लो टायर वन का मैं ये कंप्यूटर सीबीटी जिसको बोलते हैं सीबीटी कंप्यूटर में टेस्ट वो दूंगा मैं, और एक घंटा में टेस्ट होगा तो एक घंटा फिर एनालिसिस या मैं देखने में लगेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है रेस्ट करने की जरूरत हो, और रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला रेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला इस तरह से, क्योंकि ये तो रेस्ट ही है और ये रेस्ट नहीं एक्चुअली में वेस्ट है। इसमें देखिए तो 2 घंटे ऐसे लगाए उसने, ऐसे करके आपने अपना 8 और 10 घंटे का शेड्यूल बनाइए जो आगे दिया हुआ होगा कि आप किस किस चीज में कितना मोटे तौर पे आप फोकस कर सकते हैं जीरो टाइप के स्टूडेंट स्पेशली। तो ये था टाइम मोशन स्टडी, आपको हर का अपना जरूर ये लिखिए और लिखकर आगे लगाइए अपने जहां पर आप बैठते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आप कितना घटिया काम कर रहे थे, सुबह भी रोज सो रहे थे, शाम को भी, दोपहर को भी ज्यादातर फेसबुक पे अटके हुए थे या ज्यादातर रंगीन फोटो देख रहे थे या फिर कॉफी चाय दोस्तों के साथ गपशप, हाँ भी क्या चल रहा है, बताओ कितनी मेरिट जाएगी इस बार, भी तू मेरिट में ही, तुझे क्या मतलब है कितनी जाएगी, तुझे आना ही नहीं उस मेरिट पे क्योंकि ये काम तो हो रही नहीं रहे जो मेरिट के लिए चाहिए। अब आता है एक्टिविटी ग्राफ टूल। मैंने बोला कि आपको अगर 8 से 10 घंटा पढ़ता है तो वो फिक्स कर दीजिए अपना टारगेट कि मैं ये मेरा शेड्यूल रहेगा, इसमें मैं जान से ले जाए लेकिन शेड्यूल नहीं जाएगा मेरा, और इसके लिए आप जैसे अगर आप 110 या 120 का टारगेट रखते हैं, ज्यादा बहुत हाई टारगेट रखने की भी जरूरत नहीं है, लो टारगेट इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उसमें कोई आपकी गुंजाइश नहीं बचेगी जॉब लगने की, और उसको वीकली में तोड़िए कि मैं इस वीक क्या करने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इस वीक आप 6 ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद 4 मैथ के चैप्टर, 4-3 रीजनिंग, उसके अलावा मैं ईडीएम एंड फ्रेजिस करूंगा, और साथ में मैं बायोलॉजी में ये पढ़ूंगा, और 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन जीके के मैं याद करूंगा। ऐसा टारगेट फिक्स किया जा सकता है, और उस टारगेट को आप डे वाइज जो आप शेड्यूल बना रखा था उसमें फिट कीजिए कि डे वाइज शेड्यूल में मुझे कितने कितने टाइम में दे रहा हूं, जैसे कि इसमें मैंने जीरो टाइप के लोगों के लिए बताया हुआ, जीरो टाइप वाले लोगों के लिए। तो देखिए क्या है जीरो टाइप लोगों के लिए, टोटल 10 आवर्स, इसमें 8 से 10 डिपेंड करता है, कुछ वर्किंग है शायद वो 5-6 भी नहीं निकाल पाए, मोटे तौर पे मैंने एक जनरल बनाने की कोशिश की, आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि हम ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और मैं अपने हिसाब से भी बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, या आप वीडियो लेक्चर्स नहीं तो फिर 3 आवर्स, क्योंकि वीडियो लेक्चर होते हैं वो 4 घंटे की क्लास के कम से कम बराबर होते हैं, फास्ट होते हैं वीडियो लेक्चर, को रोकने टोकने वाला नहीं होता बीच में, तो 4 घंटे, और वो क्वालिटी लेक्चर होने चाहिए, वो वैसे नहीं आपको ज्यादा खुश कर, सब्सक्राइबर वाले नहीं होने चाहिए कि जो बोलते हैं सब्सक्राइबर कराओ, ये कराओ, वो कराओ, और बैंकिंग रीजनिंग, बैंकिंग और CDS सारी चीजें इकट्ठी आपके लिए सिर दर्द होगी। SSC है तो SSC होनी चाहिए, वरना टाइम वेस्टेज है वो। तो या फिर आप कोचिंग कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे की क्लास या जो भी आपकी कोचिंग का शेड्यूल है, 2-3 जितना भी है आप वो कीजिए,
मतलब कि यह कोचिंग है या लेक्चर्स है, क्या कोचिंग जरूरी है? मैं जीरो टाइम की बात कर रहा हूं, उनके लिए लगभग लगभग जरूरी है। अगर 100% जरूरी नहीं तो लगभग जरूरी है, मतलब कि ऐसी संभावना बहुत कम होगी कि बिना कोचिंग ये लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे साइकोलॉजिकल रीजन आ रहे हैं। तो उसके 2 घंटे से ज्यादा किया या 3-4 घंटे से ज्यादा कोचिंग की, आप अपना माइंड उस लेवल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे जहां जॉब लगेगी। मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि आप अपना माइंड नहीं बढ़ा रहे, दूसरे के माइंड को सिर्फ देख रहे हैं। यह डेंजरस ट्रेंड होगा, तो इसको अपने आप को लिमिट कीजिए, फायदा होगा। 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी ज्यादा कमजोर है तो 3 घंटे तक खींच सकते हैं इसको, वरना ऐसा नहीं है कि ज्यादा लेक्चर्स आपको ज्यादा फायदा करेंगे, क्योंकि खुद पढ़ना जरूर ज्यादा जरूरी है। 1 आवर्स इसका मतलब आपको खुद के लिए दिया मैंने, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मतलब यहां पे क्या है, जैसे प्रोविडेंट लॉस का आपने लेक्चर पढ़ लिया, या अलजेब्रा का आपने लेक्चर पढ़ लिया, या ज्योमेट्री देख ली, तो यहां पे देखिए वो कॉन्सेप्ट आप लिखिए, देखिए क्या कर रहे हो, उस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चल रहा था। फिर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने चाहिए जहां पे आप उनको प्रैक्टिस करो, ये मैं बोल रहा हूं। यहां पे प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, दोबारा रिविजन मारिए। टेस्ट सीरीज 2 घंटे उसको दिया हुआ है, जैसे ऊपर भी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 घंटे आप उसमें लगाइए टेस्ट सीरीज में। आप बोलेंगे कि हमें, मुझे ज्यादा नहीं आता कुछ, क्या मैं टेस्ट सीरीज दूं? यस, टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगी। दूसरी बात, अगले 50 दिन में एग्जाम है और टेस्ट नहीं देंगे तो आप वैसे ही कॉम्पिटिशन से बाहर थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स आप देखिए, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जब अभी पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें आएगी जहां अच्छी चीज थी, चाहे वीडियो लेक्चर हो या और कहीं भी बात हो, और वो आप भूल सकते हैं अगर आपने नोट नहीं किया। एक आप अपने रजिस्टर लगा लीजिए जहां पे कि नोट करना है। आप अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे वीडियो देखोगे, बहुत सारे ट्रिक्स रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड, उसमें कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो एक्सपीरियंस के आधार पर आ सकती है, वैसे मैथ्स में कहीं पर नहीं मिलेगी आपको, तो वो चीज आप नोट कर सकते हैं। वो वीडियो देखने से नहीं चलेगा, आप नोट कीजिए और उस नोट का एक डायरी होगी आपके पास, तो आपको लगभग 200 चीजें मैथ्स में, अगर मैथ की बात करूं 200 चीजें अगर मैथ्स में नोट की, तो आप बहुत अच्छा ऊपर जा रहे हैं। रिविजन इज द की। आपने पूरे हफ्ते में क्या किया या कल क्या किया, आज उसका रिविजन जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने बायोलॉजी पढ़ी या केमिस्ट्री पढ़ी, आप भूल जाएंगे। जितना ज्यादा 2 रिवीजन के बीच में गैप होता है, उतने ही भूलने की संभावना ज्यादा होगी, टोटल परफॉर्मेंस आपकी लो होगी। तो पढ़ने के बाद जो रिवीजन का गैप है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम दिन में रिवीजन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज आपने ट्रिग्नोमेट्री की है, अगर आप 2 महीने के बाद ट्रिग्नोमेट्री को छेड़ोगे दोबारा, तो ज्यादातर चीजें आपको भूली हुई मिलेगी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप वापस 10 दिन में इसको छेड़ने की कोशिश की, दोबारा करने की कोशिश की, तो एक आप जल्दी करते हो, दूसरी बात आप भूलेंगे नहीं कभी भी। आप फिर 20 दिन के बाद दोबारा रिवीजन कीजिए, ऐसा करके आप सर्कल बनेगा और सारा चीज माइंड में अपने आप चली जाएगी। और जब आप इन चीजों में इतने बिजी होंगे, तो जब इतनी चीजों में बिजी होंगे, तो नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी जो मैंने आपको बोला था ये छोड़िए, वो अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि अब उनके लिए काम नहीं है आपके पास। दोस्तों को बोलोगे कि भाई आज मेरे पास टाइम नहीं, दोस्त बोलेगा भाई तू अच्छा आज तू पढ़ाई करे, बनेगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप इस चीज को पॉजिटिव लीजिए कि मैं बनूंगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और पहले आप किसमें थे कि आप भी उसी कैटेगरी में थे जो दूसरों को ये कमिट मारते थे बनेगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लेकिन इसमें क्या करना है, हाँ जी बनूंगा और बनकर दिखाना है। तो इन लोग उन जो ये कमिट मारते थे उनसे अपना पीढ़ी छुड़ाइए। तो जब ये चीज करेंगे अपना पीढ़ी छुड़ाने की सिचुएशन में आएंगे, क्योंकि आप हाईली ऑक्यूपाइड है, हाईली बिजी है, हाईली परफॉर्मिंग एक्टिविटी पर काम कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी आपने जीरो कर रखी है या बहुत कम कर रखी है। जब चाय पिए तो वही चीज रिवीजन कीजिए, चाहे रिवीजन का टाइम ढूंढ लेना कि टीवी का, क्योंकि एवरी सिंगल मार्क विल मैटर इन द फाइनल लिस्ट। एक बात है, यहां पे वीकली टारगेट रखिए। जब तक कि टारगेट नहीं होगा आप कभी भी अचीव नहीं करेंगे, जब तक कि गोल नहीं होगा आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। आपने कंपनियों में देखा होगा, एमआर को देखा होगा, बाकी हर चीज में देखा होगा कि वीकली टारगेट, सेल्स रिपोर्ट। क्या आपको लगता है टारगेट न दिया जाए वो पूरे महीने उतना काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी। टारगेट होने से आपके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास होता है, साइकोलॉजी आप ज्यादा तैयार होते हैं, आपके हॉर्मोन ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यहां पे
जो केमिकल्स होते हैं दिमाग में और शरीर में वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो टारगेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो टाइम मोशन स्टडी डे वाइज आपका शेड्यूल था उसका भी एक इंपॉर्टेंस है उसको मीट कराने में, वीकली टारगेट को मीट कराने में। अगर ये प्लानिंग के रूप में आप कर रहे हैं तो वो उसको इंप्लीमेंट करवाने में आपकी हेल्प करेगी। विदाउट टारगेट नो डायरेक्शन, वीकली कंपेरेटिवली ब्रॉडर व्यू आपको बड़ा आइडिया देता है कि आप किस दिशा में ले जाएंगे उसको। आप छोटे, आपने पूरा जो टारगेट था दो महीने का या 50 दिन का, आपने वीकली डिवाइड किया, वीकली के बाद फिर डेली, तो ऐसे करके एक चैन बनती है और वो चैन कुल मिलाकर सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी आपको। इट इज इजी देन टू फिक्स डेली परफॉर्मेंस टारगेट आपके लिए। अगर वीकली टारगेट ले लिया आपने, तो अगर आपने बोला कि भाई 4 चैप्टर्स वीक करने हैं, तो आपके लिए डेली टारगेट बनाना आसान होगा। और एक चीज मैं बताता हूं कि ज्यादातर लोग जो, हालांकि मैं डांट फटकार लगा रहा था कि नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके पीछे भी जो हो रहा है वो इस वजह से होता है कि आपके पास दिन का आज क्या करना है वो प्लान नहीं होता। जब सुबह उठते हैं बिना प्लान उठते हैं, इसका मतलब कि आपका ध्यान उन चीजों पर जाएगा जो या तो आसान होगी या फिर उनका कोई वैल्यूडेशन नहीं होगा। जब आपको रात को सोए तो अगले दिन का प्लान फिक्स करके सोए कि कल मैं ये करूंगा, बहुत कम संभावना होगी कि आपका ध्यान नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी पे जाएगा, और फेसबुक जैसे जो टाइम वेस्टेज के रिसोर्सेज है आप उसको बंद भी कर सकते हो। 8 से 10 घंटा प्रोडक्टिविटी विल मेक सेंस। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं 2-3, इसका कोई फायदा नहीं है। उससे क्या है, बेटर आप अपना 1-2 साल टाइम खराब कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। आप बिजनेस कीजिए या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, गाने गाना है गाने गाइए, संगीतकार बनिए, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप इनकम टैक्स बेस्ट होता है, तेंदुलकर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं है, हर आदमी का अपना अपना फील्ड होता है, अपना फील्ड अलग चुनिए। क्लियर पिक्चर, क्लियर पिक्चर इन माइंड इज रिक्वायर्ड ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जैसे इस लेक्चर में मैंने दिमाग को क्लियर करने की कोशिश की, यहां पर मैंने कोई मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके का मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नहीं समझाए, मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है कि कौन सी ट्रिक होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि आप माइंडसेट कीजिए। दो इंसान के बीच में डिफरेंस होता है वो माइंडसेट की वजह से होता है। डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल लेवल जरूर हो सकता हुआ रोल प्ले करे, लेकिन जब माइंडसेट गलत दिशा में चला गया तो इंटेलिजेंट आदमी भी आतंकवादी हो सकता है। एक जब ये बात आ रही थी शेड्यूल और सारी चीजों की, आप इस चीज का जवाब खुद अपने आप में तलाश कीजिए। क्या आपको लगता है डज ऑर्गेनाइज स्टडी प्लेस जहां पे आप पढ़ते हैं मेक यू मोटिवेटेड? और ये टायर थ्री है उसमें अगर आपको एसे आ जाए लिखना, हम ये टायर थ्री की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और याद रखिए उसमें मैं एक एसे राइटिंग इस टॉपिक पर जरूर दूंगा वहां पे। और आपको लिखना कैसे हुआ तो बाद की बात है, लेकिन जब आप अंदर से महसूस नहीं करेंगे कि वास्तव में ये फीलिंग नहीं आएगी तो आप अच्छा नहीं लिखेंगे। पैशनेट होना भी जरूरी है। तो डज ऑर्गेनाइज स्टडी प्लेस यू और मेक यू मोटिवेटेड, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मुझे लगता है कि आपका यहां पर चार्ट रहा है कि मुझे डेली ये मेरा शेड्यूल चल रहा है। मैं क्या शेड्यूल चल रहा है कि 5 बजे उठूंगा मैं या 7 बजे उठूंगा। अगर 7 बजे में उठ रहा है तो गलत नहीं है, लेकिन कम से कम जो टारगेट था उसका फिक्स है। अब 4 बजे उठकर आप बेड पे पड़े हुए हैं, कभी इधर करवट कर रहे हैं कभी इधर करवट कर रहे हैं, न नींद आ रही है न जागा रही है, वो क्या तुक है उसका? ये तो हाईली नॉन सेंसिबल है। कभी फोन पे लग जाते हैं 15 मिनट बाद फिर सो जाते हैं, बकवास। अगर 7 बजे उठना है तो प्रॉपर 7 बजे बोलिए, कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि आप इस बात की संभावना हो सकती है आप लेट को ज्यादा देर तक पड़े होंगे। अगर 12 बजे तक पढ़ रहे हैं या 1-2 बजे तक पढ़े हैं तो ऑब्वियसली आप 2 बजे उठ सकते हैं, नो इश्यू, अपने अपनी स्टाइल हो सकता है, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग नहीं होना चाहिए। तो शेड्यूल फिक्स कीजिए, जब आपकी आंखों के सामने होगा, आपके घर वाले भी आपके रूम में आएंगे तो आपको देखेंगे, खुद खुश होंगे, वो भी मोटिवेट होंगे और आप भी अकाउंटेबल ज्यादा बनोगे, क्योंकि आपने चार्ट लगा लिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, या मैंने लगवा दिया है, जैसे कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को करता हूं मजबूर, तो ऐसे मजबूरी भी कई बार रिजल्ट देगी।
वीकली टारगेट रखिए कि मुझे इस वीक में, सामने लगाइए आप बोलोगे। आपने देखा क्या जो कंपनियां होती है उसमें सामने टारगेट रखा होता है बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड, टारगेट मंथ, इस मंथ का ये टारगेट, इस वीक का ये टारगेट, चैंपियन ऑफ द मंथ, इस तरह की चीजें होती है। वो क्यों होती है? वो बिना नोटिस बोर्ड भी तो बता सकते टारगेट, नो विजुअल इफेक्ट आए, माइंड में जाता है, आपकी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है और उसमें जो केमिकल्स है वो प्रोसेसिंग होती है, वो आपको टारगेट अचीव कराने में हेल्प करती है। हाईली कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स बायोलॉजिकली, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए, उनका रोल भी यहां पे है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल रोल नहीं, साइकोलॉजिकल रोल, इमोशनल रोल और एक जज्बा, वो एक बनाने का माहौल वो चाहिए। माई गोल फिक्स कीजिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिखना है या कोई भी आपका टारगेट है, आप लिखिए इसको। और आपका कोई यहां पे पेरेंट्स आते हैं और उनको ये नजर आएगा, प्राउड फील होगा, आप उसको सुबह आए उठा और यहीं पे नजर जाएगी तो नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी की तरह आपका मुंह भी दी जाएगा और आप उस फोन को बंद करके स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे। यह मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि आपको नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज से हेट होगी, आप उन दोस्तों से हेट होगी, उस तरह की चीजों से हेट होगी जो आपका टाइम वेस्ट करवा रहे थे, जो ये बात इस बार मेरिट कितनी जाएगी, इसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे थे जो कि मेरिट में कभी नहीं थे, आज आप मेरिट में होंगे और वो लोग डिस्कस करेंगे जो कभी मेरिट में नहीं हो सकते कि ये लड़का वो मेरिट कितनी जाएगी, आप डिसाइड करेंगे, आप ऊपर ले जाएंगे इस मेरिट को। तो ये जब आप दिमाग में विजुलाइज करेंगे, माइंडसेट आपका चलेगा, हॉर्मोनल एक्टिविटी होगी, एड्रेनल ग्लैंड आपकी जो शारीरिक दक्षता है वो डेवलप होगी। और मैंने एक चीज यहां पे बताई, जीरो टाइप कैटेगरी के लिए बातें सब चल रही है, ये सब जीरो टाइप कैटेगरी के लिए चल रही है, तो खाना खाना से आप वो जरूर खाएं आप जो आपको हेल्थ में और केमिकल सेक्रेशन में वो मजबूती दे, फ्रेशनेस लाए। मतलब ये आपका फास्ट फूड जंक की बजाय थोड़ा फ्रूट और उसका सेवन कीजिए। इसका रोल आप बोलोगे कहां पे आता है, आप पढ़िए एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, आपको समझ में आएगा एंटीऑक्सीडेंट का रोल और दूसरे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके रोल को समझ में आएगा। और यह ये भी आपके दिमाग को तेज करने में, चाहे वो बादाम हो चाहे वो दूध हो, तेज करने में आपकी हेल्प होगी। चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है तो फिश हो और वेजिटेरियन है तो आपका दूध, या जो भी आप आपके कल्चर के अनुसार आपको सूट करे, हेल्दी फूड आपको हेल्प करेगा। तो मैंने ये जरूर बोला है कि आप रेस्ट कीजिए लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी मत कीजिए, गुड फूड खाइए। और ये साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक स्वरूप को भी समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ मैथ के वीडियो देख कर काम नहीं चलेगा, ये बाद की बात है, पहले अपने आपको लेवल को उसके काबिल बनाइए, फायदा होगा। यह था टायर जीरो प्लान से लेकर जीरो टाइप स्टूडेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह चीजें आपको समझ में आई होगी, बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, पूरे दावे के साथ मैं बोल सकता हूं। और जब ये जब मैं मैथ रीजनिंग इजी को वो कैसे पढ़े उस चीज पे आऊंगा तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना। जब आप दिन में सारा दिन ऑक्यूपाइड होंगे, बिजी होंगे और काम की बात कर रहे होंगे तो आप जीरो टाइप नहीं, आप वो फोर टाइप या फाइव टाइप जो भी आखिरी का मैंने बताया उसका हिस्सा होंगे। अगले पार्ट में हम लोग करेंगे कि क्या एक्शन प्लान, क्योंकि ये लोग डिफरेंट है, ये लोग डिफरेंट है। इसमें जैसे बताया कुछ फ्रेशर भी हो सकते हैं, कुछ 2016 में फ्रेशर भी है लेकिन ब्रिलियंट है, कुछ पता नहीं है लेकिन करेंगे 2016 में, और टॉप इंडिया के 100 में कैसे आए इसके लिए अगले प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रेजेंटेशन में दुआ देता हूं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।